मेरे हिसाब से जो बेस्ट अभी जो बिजनेस है जो नो रिस्क फ्री है वो दो अभी काइंड, वो हाँ अभी इस वक्त में वो दो काइंड ऑफ बिजनेस है। एक तो ट्रेडिंग हो गया, उसमें ये चाहिए होगा क्रिप्टो विप्टो या वैसे स्टॉक्स, वो फजूल ट्रेडिंग है ठीक है, वो स्क्रीन पे आपको दिखाया जाता है ठीक है स्टॉक्स क्रिप्टो बड़ा बड़ा, वो ट्रेडिंग नहीं, वो ट्रेडिंग जो रियल ट्रेडिंग है मतलब गुड्स और चीजों की, गुड्स की एग्जैक्टली। पाकिस्तान इंडिया से बंदा कैसे करे, सारा सारी सोर्सिंग तो होती वहीं से, गुड्स सारे आते ही वहीं से, पाकिस्तान से सारे क्लोथिंग के होते हैं जो सारे कपड़े जो बनते हैं सारे पाकिस्तान चाइना, यहाँ पर जो 50-50 डॉलर के कपड़े बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो सारे पाकिस्तान चाइना से बनते हैं, यहाँ लोग बोलते हैं वाओ ब्रांड है अमेजिंग। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है, दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, आज एक मुझे लड़का ने अप्रोच किया था, इंडियन लड़का है जो हैदराबाद में ग्रो अप हुआ है, पता नहीं उसने कहीं कहा था कि मैं पाकिस्तान में ग्रो अप हुआ था और फिर मैं यहाँ पे आया एज अ स्टूडेंट, फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और टिकटॉक पे मेरी शॉप है और मेरी एक ज्वेलरी स्टोर है जो मैंने ओपन किया और उसकी मैंने चीजें फिर सेल करके ही स्केल्ड अप, ही स्टार्ट बिकमिंग सक्सेसफुल एंड नाउ मतलब काम वगैरह काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। ही सेड दैट यार मेरे साथ अगर तुम कोलैबोरेशन करोगे तो मैं अपनी चीजें वगैरह शेयर भी कर सकता हूँ, स्टोर की जो मैंने खोला किस तरह मैंने मतलब स्टूडेंट से इस चीज पे कन्वर्ट किया, मुझे पूरी इसकी नॉलेज नहीं है, कह रहा था कि आई कैन बी अ वेरी यूजफुल सोर्स टू द स्टूडेंट्स वगैरह जो यहाँ पे आते हैं ना। ह्यूस्टन में डाउनटाउन में रहते हैं साहब हमारे और 23 ईयर ओल्ड का बच्चा है, मेरे से 2 साल छोटा है, तो ऐसा इसको क्या पता चल गया, लेट्स गो एंड सी। काफी उसने मुझे मतलब कहा था केयर करो मेरे से, मैंने कहा नहीं जरूर करते हैं यार। फॉर वी मूव ऑन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो me on Instagram. Anyways, boys and girls, I'll see you there. हाँ भाई boys and girls, सीन है कि हम पहुंच गए यहाँ पे डाउनटाउन में, अभी बस पार्किंग हमने पीछे लगाई है तो वो लड़का भी आ गया यहीं पे, तो अभी उससे आपको मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारे बॉय को, नीचे नीचे से दिखाओ, नीचे से ये नीचे से नहीं यहाँ से ऊपर से दिखाओ, दिल से दिखाओ, नहीं नीचे से फिर ऊपर तुम्हारे दिल पे जाएंगे। कैसी है भाभी, अस्सलाम वालेकुम। यार काफी प्यारा है माशाल्लाह ह्यूस्टन का डाउनटाउन, ओए होए 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 जैसे आप ये चेक कर सकते हो, ये जरा व्यूज यहाँ के चेक करो कि यहाँ पे जो अपार्टमेंट है टॉप फ्लोर पे भाई तू तो इधर ही बैठता रहता होगा, आदत तो है ना, वो जो बंदा रहता है ना वो कभी भी वहाँ की चीजें यूज नहीं करता। किचन भी यूज किए कभी? मैंने आपको दोनों को इसलिए बुलाया था, मैंने कहा रात को बारबेक्यू करते हैं, पर मूसा भाई को जल्दी है यार, मुझे जल्दी है, असल में मेरी नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मेरा ना असल में कमिटमेंट थी पहले से ना वो फैमिली में, तो वो तो कह रहे थे कि सैटरडे को भी प्लान है, मैंने कहा नहीं सैटरडे को तो मैंने इधर आना है, हमारे इंडिया से भाई है पवन, थोड़ा सा पवन अपने वो पाकिस्तान से नाम में भी मुझे बचपन से बहुत ही कंफ्यूजन रहा है, अच्छा तो वो पाकिस्तान से, एग्जैक्टली पाकिस्तान से हूं मैं, कराची से, हैदराबाद से था फिर मैं कराची शिफ्ट हुआ, फिर मैं अमेरिका हुआ। अच्छा, इस राउट पे कैसे गए, टिकटॉक पे तुम कहते हो सेल कर रहे हो, तुम्हारे अपना ज्वेलरी स्टोर है, ज्वेलरी तुमने कुछ पहनी भी है? नहीं वो वुमेन ज्वेलरी है, वो आपके लिए। ओह अच्छा, वो तो नहीं पहनी तुमने, देख लो ये देखो जरा उसको चेक करते हैं, वही स्ट्रेट है। किस तरह आए तुम यहाँ पे, क्या तुमने किया मतलब पहले पढ़े, फिर किस तरह तुमने ये लूप होल फाइंड करके इस एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ पे? देखो लूप होल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, सही है, आज के ज़माने में हर चीज़ बहुत ही अवेलेबल है, हर चीज़ मतलब है ना, मैं आपको बताता हूँ क्या, हर चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के पड़ी पड़ी, मैंने भी देखो मे भी अपॉर्चुनिटी है, मैंने आपको कॉल की, ईमेल अप्रोच की ना, देखो एट द एंड वैल्यू इंसान की तब होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है, ठीक है, अब वैल्यू ऐड कर सकता है किसी को टीच करे, किसी को लेट सपोज किसी की हेल्प करे, जॉब दे, बिजनेस करे, समझ रहे हो, बिजनेस में रोजगार देते हैं तो उससे वैल्यू ऐड होती है। अब जब यहाँ मैं पहुँचा ना तो यहाँ मैंने दो बिजनेस देखे, एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस है, ठीक है, या तो ट्रेडिशनल बिजनेस करो जो हर कोई कर रहा है, गैस स्टेशन खोलो, मोटल खोलो, ठीक है, वहाँ चीजें लगा, कैसीनो वगैरह जो भी गेम मशीन मतलब लगा, जो ऑलरेडी इसका जो ऑलरेडी जो ऑलरेडी वे आउट है, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत है, रिस्क ज्यादा है, फिजिकल, फिर ख्वारी करो एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, फिर सारा जो सिस्टम होता है वो कंप्यूटर नहीं होता, सारा मतलब एक क्लाउड रेस्टोरेंट्स होते हैं आपके, गैस स्टेशन होते हैं देसी में, वो काफी ज्यादा कॉमन है ना, फिर अपनी फैमिलीज को एम्प्लॉय करके आगे चलाते हैं, व्हिच इज आल्सो ग्रेट, आई एम हैप्पी फॉर देम, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं, पर मुझे लगता है कि एक तो बिजनेस वो हो गया, या दूसरा कि ना आप अपना कोई बिजनेस मॉडल क्रिएट करो। अब बिजनेस मॉडल क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है दिमाग चाहिए, और मुझे लगता है मेरा दिमाग है, मैं स्मार्ट हूँ, स्मार्ट मतलब हाई आईक्यू हूँ, मैं यूनिक पर्सनैलिटी हूँ, सही, मुझे लगा मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैंने फोकस किया कि मैं अलग अपना बिजनेस बनाऊं। हाँ। उनसे मिले ये हमारे बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर। वालेकुम सलाम सर, हाउ आर यू डूइंग? क्या नाम है आपका? दिनेश। पूरा नाम क्या? दिनेश जसवाल।
तो भाई ये दिनेश जसवानी है, ये इसके साथ ही काम करते हैं, तो इनको भी जरा यू नो मेंशन हम करेंगे साथ। लेकिन आप दोनों ने मतलब साथ साथ किया, मेरे हिसाब से जो बेस्ट अभी जो बिजनेस है जो नो रिस्क फ्री है वो दो काइंड, वो हाँ अभी इस वक्त में वो दो काइंड ऑफ बिजनेस, एक तो ट्रेडिंग हो गया उसमें चाहिए क्रिप्टो विप्टो या वैसे स्टॉक, वो फजूल ट्रेडिंग है ठीक है, वो स्क्रीन पे आपको दिखाया जाता है ठीक है स्टॉक्स क्रिप्टो बड़ा बड़ा, वो ट्रेडिंग नहीं, वो ट्रेडिंग जो रियल ट्रेडिंग है मतलब गुड्स और चीज होगी, गुड्स की एग्जैक्टली गुड्स की। अब इसमें नेटवर्क चाहिए होगा, नेटवर्क कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ, इसमें बहुत मैं भी बहुत सारे लोग होंगे ट्रेडिंग में शौक करते हुए, ये फजूल ट्रेडिंग मत करो कंप्यूटराइज ये स्टॉक्स ये तुम्हें दिखाया जा रहा है तुम्हें गुमराह किया जा रहा है, जो असल चीज़ है वो कोई भी इंटरनेट में नहीं बताता, वो असल चीज़ आज मैं बताऊंगा, वो ट्रेडिंग ऐसे करो नेटवर्क बनाओ। अब तुम लोग इवेंट्स कौन से अटेंड करते होगे, तुम लोग कॉन्सर्ट सिंगिंग वगैरह ये इवेंट्स करते हो, फूड स्टॉल्स ये इवेंट्स किसी काम के नहीं है, असल में जो इवेंट्स काम के आते हैं ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें फ्रेंचाइजी जग सको, यहाँ पे मतलब कि ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वगैरह मतलब बिजनेस जैसे फ्रेंचाइजी होगी बना सकते हैं, फ्रेंचाइजी होगी या कोई फ्रेंचाइजी वगैरह बिजनेस बेचते हैं, उसके अलावा ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें ना बहुत सारे एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स ट्रेडिंग वाले एक कंपनी वगैरह जगह जगह पे होते हैं, अब उसके लिए आपको घर से बाहर निकल के ट्रेवलिंग करनी पड़ती है ठीक है, भले यू गो ब्रोक फॉर डूइंग बिजनेस बट यू विल सक्सीड यू विल अचीव समथिंग अगर वो चीज करोगे हिम्मत करोगे ठीक है, उसमें नेटवर्क बनता है। तो क्या है लेट्स इवेंट में गए वहाँ पर बहुत सारे अब गुड्स गए ना राइस हो गया ठीक है चावल दाल वगैरह हर किसी किस्म के ना गुड्स वाले कंपनी वाले होते हैं जो है ना ढूंढ रहे होते हैं एक्सपोर्टर्स ठीक है, तुम बीच में एक ब्रोकर बन के उनसे ठीक है नंबर वगैरह बिजनेस कार्ड शेयर कर दिया बातचीत कर दिया हंसी मतलब तुम्हें बातचीत इनिशिएट करनी पड़ेगी ठीक है, उनके पास उनके पास पहले से पैसा पड़ा जरूरत तुम्हारी है नीड तुम्हारी है, अभी नीड मेरी है मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया ना आपने तो नहीं किया, सच्ची बात है मैं झूठ बोलने वाला मनसा हुई नहीं ठीक है, मैं खुदा का इंसान हूं मैं सिर्फ सच बोलता हूं। उसमें लेट्स सपोज आप कंपनी आया कनेक्शन आ गया भाई लेट्स सपोज कंपनी आ गई अर्जेंटीना में या फिर ब्राजील में है टॉयज अच्छे बेचती है ठीक है, अच्छा आपने देखा यहाँ पर अब अमेरिका है ठीक है, अब यहाँ पर हर जगह से ना वास्ते बनाओ कनेक्शन बनाओ रेस्टोरेंट है वहाँ जाओ ठीक है हर किसी नंबर मालिक से मिलो छोटे लेवल से लोगों से बात ही करनी है सीधे बोलो मालिक से बात करते हैं, सीधे बोलो मालिक से बात करनी है, कभी भी कहीं जाओ बोलो एम्प्लॉयर कहाँ किसने तुम्हें हायर किया मुझे उससे मिलना है ठीक है कनेक्ट उससे मिलना काम है जरूरी कैसे हो ब्रदर मैं भी ये कर रहा हूँ अच्छा वाह यार चावल कर रहा अच्छा यार आपकी रेस्टोरेंट बहुत अच्छी है नंबर से एक्सचेंज ठीक है, आज नहीं तो कल उसे नीड होगी किसी चीज की, जैसे उसकी नीड होगी तुम वहां पर पहले आ जाओगे उसकी नीड पूरी करने एक कंटेनर मंगाओगे फ्लिप कर दोगे एक पैसा कैश सीधे अंदर करोगे। आपने कभी आप अगर की बिरयानी खाई है? मैं आगस गया था अभी मैंने बिरयानी भी खाई थी उनकी कोरमा भी खाया था। आई एम प्राउड ऑफ लास्ट बेला गए हो? हां लास्ट बेला गए लास्ट बेला भी गया था अगस्त और लास्ट बेला को राइस हम ही दे दे वही तो सीन है। अब मैं हम लोग क्या करें एक कंटेनर दो कंटेनर मंगा गया हमने दे दिया खा लिया मैंने ऑलरेडी राइस भेजे तो देखो अब उसमें देखो सीधे एक कंटेनर कैश हो गया तो ये अब इसमें क्या मेरा रिस्क तो जीरो है ना, एक बंदे की यहाँ से नीड थी एक बंदे की यहाँ से नीड थी मैं बीच में ब्रोकर आ गया बीच में दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने बीच में कमीशन प्रॉफिट कमाया जिस तरह वो नहीं होता है इजी टर्म्स में समझाऊं मैं सब कुछ मैं बहुत कुछ करता हूँ हम लोग अमेजन होलसेल कर रहे हैं ज्वेलरी शॉप कर रहे हैं हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी है हम बहुत सारे गुड्स अमेजन होलसेल के बाद हमने खुला प्राइवेट लेबल ठीक है उसके बाद हम आए राइस में अब राइस माशाल्लाह से पूरा ह्यूस्टन में हम फैल गए ठीक है आगाज लास बजा को हम दे रहे हैं एक मिनट फिजा इस पर थोड़ा कैमरा करना 0.5 कर दो ताकि वो भी आ जाए चलो बोलो अच्छा अमेजोन होलसेल के बाद हमने किया प्राइवेट लेबल ज्वेलरी का ये अमेजोन होलसेल की बात किया नहीं अमेजोन होलसेल शुरू में जब फर्स्ट हम यूएस में आए थे तब वो किया था यस अच्छा उसके बाद हमने अपना ब्रांड खोला ज्वेलरी का उसके बाद हम आए राइस में जब आए ह्यूस्टन में तो हमने माशाल्लाह से लाइक हाफ ऑफ द रेस्टोरेंट ह्यूस्टन के हमने दोनों को चावल दे दिए हमारा चावल लेते हैं तो तुम भी यू नो तुम तो लोगे कोई मतलब चावल भी अच्छा है और प्राइस तो हमें डाउन करनी होती है बहुत सारे मार्केट में होते हैं तो प्राइस और क्वालिटी सबसे बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वही ना हाँ आपने बिरयानी का अच्छा लगा हाँ जी मजे की थी अप्रिशिएटेड चलता हूँ दुआओं में याद रखना तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो अपना कोई बिजनेस अब ये एक बिजनेस हो गया ट्रेडिंग इसको बोलते हैं प्रॉपर ट्रेडिंग कंटेनर मंगवाए यहाँ से वहाँ ठीक है और मैं बोलता हूँ कि पैसे के पीछे मत भागो बिकॉज एट द एंड वो पेपर है उस पेपर को कन्वर्ट करो ये देखो जमीन देख रहे हो लैंड ये बिल्डिंग इसकी वैल्यू है ठीक है बिल्डिंग वैल्यू गोल्ड इसकी वैल्यू है ठीक है ये इन चीजों की वैल्यू है एसेट्स की वैल्यू है एट द एंड पेपर मनी की वैल्यू नहीं है। मुझे एक बात बताओ लेकिन फॉर एग्जांपल ये तो बातें हैं सारी अच्छी लेकिन ये तो उनके लिए ना जो बेसिकली अमेरिका में आ गए हैं जैसे तुम आए हो आप भी आए जरूरी नहीं है पाकिस्तान इंडिया से बंदा कैसे करे सारी सोर्सिंग होती वहीं से गुड सारे आते ही वहीं से पाकिस्तान से सारे क्लोथिंग के होते हैं जो सारे कपड़े जो बनते हैं सारे पाकिस्तान चाइना यहाँ पर जो 50-50 डॉलर के कपड़े बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं वो सारे पाकिस्तान चाइना से बनते हैं यहाँ लोग बोलते हो वाओ ब्रांड है अमेजिंग डिस्काउंट मिला इतनी महंगी चीज पर वो सारी पाकिस्तान इंडिया से बनती है बोले उस लोग से समझते हैं
साइकी है, मेंटेलिटी है, अमेरिका से मिले कोई चीज लेकर आओ, ये कहाँ से बना, पाकिस्तान से बना, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। वहां पे ना, वहां पे चाइना से लोग सोर्स करके चीजें, फिर अमेरिका में शिपमेंट ढूंढते हैं, लोग ढूंढते हैं, या किसी और कंट्री में लोग ढूंढ के शिपमेंट्स भेजते हैं। सारी कोई चीजें ढूंढने की जरूरत ही नहीं, फजूल में भटको नहीं, हर चीज इंटरनेट पे मोबाइल पे पड़ी है, एक एजेंट बताओ सारा मिल जाएगा। मैंने पूरी दुनिया के एजेंट्स एक एजेंट से ढूंढे, कनेक्शन से कनेक्शन बनते, ठीक है। मैंने लेट सपोज आपसे आज क्लैप किया, आपसे दोस्ती करूंगा, ठीक है, आपसे पूछूंगा इस फील्ड में और कौन है, उनसे दोस्ती करूंगा, उनके नंबर दो, ठीक है, अपना नंबर दो, कचहरी का दिखाते हैं, फिर एक से वास्ते, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, फिर वो रास्ते खुद ही खुल जाते हैं। इंडिया लॉजिस्टिक, न्यूजीलैंड लॉजिस्टिक, यूके लॉजिस्टिक कंपनी, कैनेडा लॉजिस्टिक, मजाक थोड़ी है, बिजनेस करते हैं यार हम लोग, वो थोड़ी बैठे हैं, वो सारी चीजें मेहनत कर भाई। टेंशन है, मैं तो ये मजाक समझा ही नहीं था कभी, वो तो ऑडियंस को बता, वो तेरा काम। ऑडियंस को देखो, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि तुम लोग इंप्रूव हो। देखो मैं तो वैसे ही ऊपर बढ़ूंगा, ठीक है, मुझे तो वो तो बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे तुम कितनी बदवा दो, चाहे गाली दो, चाहे प्यार दो, मेरा ऊपर बढ़ना, सक्सेस होना, ये निश्चय है, ये कन्फर्म है, ये 100% डेस्टिनी है। पर तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तुम्हें जो ज्ञान मिल रहा है, अगर तुम उसे सही तरह यूटिलाइज नहीं करे, अगर तुम प्रैक्टिकली काम नहीं करे, अगर तुम सोचो मुझे कुछ करना है लेकिन तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम कोई एक्शन नहीं करे, तो याद रखना इट वॉन्ट गेट यू एनीथिंग। फिर ये सारा मस्त में तुम खुश हो रहे हो, एंटरटेन हो रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हें पैसे हासिल नहीं होंगे, और जब तुम्हें पैसे हासिल नहीं होंगे तो तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी, तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी तो तुम्हें सोसाइटी में कोई पूछेगा नहीं, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, तो मत एक्सपेक्ट करना तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। ये वर्ल्ड वॉल क्रूअल है, ये वर्ल्ड वॉल क्रूअल है, बी प्रैक्टिकल, कनेक्टिंग, लोगों की नीड को समझो और उसको फुलफिल करो, अपनी वैल्यू बनाओ। यूएस में तुम किस तरह है, किस तरह तुमने वीजा कौन सा लेके आए, फिर तुम उसको कन्वर्ट कैसे किया, क्या किया? वीजा के लिए सिंपल फॉर्म फिल करो, तो छोड़ दो वीजा फॉर्म वगैरह, बस बताओ कौन सा वीजा लिया, किस F1 वीजा पे लिया, अमेरिका आया स्टूडेंट वीजा पे पढ़ने आया, न्यूयॉर्क आया, न्यूयॉर्क मुझे समझ में नहीं आया, फिर मैं ट्रांसफर करके ह्यूस्टन आया, ह्यूस्टन आने के बाद मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, फिर मैंने अपने लिए बिजनेस शुरू किया। F1 पे कैसे किया तुमने बिजनेस? F1 पे कर सकते हो आप बिजनेस, किसने आपने बोला F1 पे नहीं कर सकते हो? मसला होता है वो तो टर्म होती है F1 की, लेकिन आप अपने आपको सैलरी नहीं दे सकते, तो आप जारी बात है लॉयर को दोगे पैसे, फिर अपने सवाल जाके पूछो लॉयर, अगर अब मैं अभी कॉल करता हूं, कॉल करूं लॉयर ने कहा था ना कि मैं कॉल करूं लॉयर, अगर लगता है मैं झूठ बोलता मैं कॉल करूं, नहीं 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 नहीं, ओए जल्दी इजी हो जा। तो ये होता है ना कि लॉयर कहते हैं कि आप LLC खोलो अपनी अलग से, ठीक है, उससे जो प्रॉफिट बने वो आप ले सकते हो, बट यू कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, एग्जैक्टली, कांट टेक सैलरी बिकॉज यू कांट वर्क इन अमेरिका, सो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट इफ यू लुक फॉर इट। वे सामने आंखों के, वो ये है कि लोग जाहिर बात है जो बिग डॉग्स आप कह रहे हो बात है, वो जाहिर बात है इनके पास थोड़े पैसा लेके रहते हैं, ये बैंकिंग का पैसा यूज करके क्या इन्होंने पैसा लिया, ये बिल्डिंग में बनाई, मैंने क्या कहा था बिल्डिंग की वैल्यू है, पैसे पेपर की वैल्यू नहीं है। तुम पब्लिक स्पीकर तो नहीं रहते कभी? नहीं, जिस तरह तुम्हारे यूं यूं यूं, मैं तो लग रहा है किसी अभी कैमरे को मारेगा, ओढ़ के जाएगा बिल्डिंग से बाहर। नहीं माशाल्लाह जोशीला बच्चा भाई, मतलब प्रॉपर तुम लोगों को बता रहा है भाई, ये हाथ वूत मार के ना अभी तुम्हारे मुंह पे 2-3 इसके नहीं लगे ना, तो उसका मतलब तुम अभी तक जागे नहीं हो। शुरू कैसे किया, पैसे कहाँ से इन्वेस्टमेंट किया? 9 to 5 वाली जॉब की, कैश स्टेशन पे मोटेल पे जॉब की थी, समझ रहे हो, नाइट शिफ्ट की थी, कैश पे काम किया था, कैश पे काम किया था, लीगल पे थोड़ी कर सकते हैं ये काम, लीगल मत करना, क्यों जॉब कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो तुमने ये पहले तुमने इधर उधर से कैश से जमा किया पैसा, कभी गैस स्टेशन, कभी इधर किया उसकी तुमने, लेकिन तुमने कहा कि देखो बिजनेस, अभी तुमने कहा है कि बिजनेस की कोई फंडिंग की जरूरत नहीं होती आप ऐसे फिर, लेकिन तुमने कहा कि मैंने कैश जमा करके कोई ना कोई तो फंडिंग की, मतलब ट्रैवल के लिए पैसे हैं, वेकेशन के लिए पैसे हैं, टिकट खरीदने के लिए पैसे हैं, खाने पीने के पैसे हैं, कपड़े के पैसे हैं, रहने के पैसे हैं, बिजनेस के पैसे हैं, गाड़ी के पैसे हैं, ट्रिप्स के पैसे हैं, नाइट क्लब्स के पैसे हैं, गर्लफ्रेंड को देने के लिए पैसे हैं, लेकिन बिजनेस के लिए पैसे नहीं है। झूठ तो नहीं बोला जान, प्लीज, आई नो, मुझे हर चीज पता है, गलत बात नहीं करूं मैं, गलत बात को सपोर्ट नहीं करता। पहले बाइंग की कोई चीजों की, प्रोडक्ट्स की, ठीक है, वो तुमने सोर्स की, अली एक्सप्रेस वगैरह यूज करते थे क्या? अलीबाबा यूज किया तुमने, उसके बाद वहां से चीजें तुमने यहाँ पे बेची, फिर तुम्हारा मतलब टर्निंग पॉइंट क्या होंगे जहाँ पे यार कुछ सेल्स हुई है, कुछ बना? तो ऐसा हुआ ना कि जैसे मैंने शुरू में किया था तो मेरा नुकसान हुआ था अलीबाबा से, मैंने किया, फिर मैंने क्या हुआ, सारी ज्वेलरी की डिजाइन बनाई, ठीक है, अपनी जगह पे रखना, मुझे वो आती है चीजें, ठीक है, मुझे मैनेजमेंट आती है, मुझे ये चीजें नहीं आती डिजाइनिंग टेक्निकल, ठीक है। तो वो क्या करा, फिर मैंने डिजाइनर्स को हायर किया, पहले ढूंढे, फिर डिजाइनर्स को हायर किया, फिर उनसे मैंने काम निकलवाया, टू बी नाइस, गुड रिलेशनशिप, टॉक गुड, कैसा चल रहा है ये वो, मोहब्बत, इसलिए नाइस तो नहीं हो रहा मेरे साथ? क्या मेरे साथ इसलिए तो नाइस नहीं हो रहे तुम? या जेन्युइन, जेन्युइन दिल से, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं हर किसी से नाइस होता हूँ, ठीक है, अब हर कितना भी नाइस हो, यू नीड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, ठीक है, फिर पैसे देने के बाद वो चीज अच्छी निकलवाई, अच्छी नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं बाकी पैसे नहीं दूंगा, सॉरी ये काम तुम्हारा बुरा लगा मुझे, फिर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा के, फिर पैकेजिंग करवा के, फिर प्रोडक्ट को सेल किया, मार्केटिंग की, और अभी भी मार्केटिंग चल रही है, ऐसा नहीं हम रुक गए हैं। मुझे बताओ मार्केटिंग बच्चा कैसे अच्छी करे, प्रोडक्ट तो आ गया, प्रोडक्ट तो कोई भी लेके आगे
बेच सकता है किसी भी वेबसाइट पे। मार्केटिंग की तो 90% गेम है कि आपका प्रोडक्ट आपने कैसे मार्केट करना है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे यूट्यूब भी मार्केटिंग ही है। कंटेंट क्रिएट करना अच्छा सीखो, अपनी नहीं प्रोडक्ट की। सो लेट्स सपोज एक वीडियो पे 10,000 व्यूज आए, अब वो एक दिन के बाद 12,000 व्यूज आए, 2,000 व्यूज बढ़ गए, अब वो व्यूज क्या है? वो एक इंसान है जो देख रहे हैं, सो वो आपके बढ़ से। तो उस 10,000 में 1, 2, 3, 4 लोग तो ले ही लेंगे प्रोडक्ट, काफी है। मैं बोलता हूँ लॉस में भी चल रहा है, काफी है, बस करो क्या है, रोलिंग होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन बिजनेस ट्रांजेक्शन रुक गई ना, बहुत ऐसे बड़े बड़े बिजनेस ऐसे ही चले, सारे नुकसान पे थे, फिर ब्रेक इवन पे, फिर प्रॉफिट पे, बिकॉज उनके कस्टमर्स बन रहे थे। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो सबसे मार्केटिंग का जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो टिकटॉक, पता है क्यों? आई विल गिव यू अ सॉलिड रीजन। मैं टिकटॉक तो लेकिन अमेरिका में ही चल रहा है ना आजकल, और अमेरिका में कनाडा में भी नहीं है एक्चुअली, इट ओनली 2-3 कंट्रीज हैं। चलो तुमने तो अपना आंसर दे दिया, रीजन है कौन सी? नहीं, आंसर नहीं देना, मुझे तुम लोगों को गाइड देना, ठीक है? और मैं तुम्हें बताना टिकटॉक अच्छा क्यों है। टिकटॉक एक वायरल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन वीडियोस को प्रमोट करता है जो वीडियोस अच्छी होती हैं, पीपल व्हाट दे लाइक। लेट्स सपोज तुम्हारा कंटेंट अच्छा है, तुम्हारा लेट्स सपोज 1 मिलियन व्यूज है, लेकिन तुम अब कंटेंट क्रिएट करते हो बेकार, तुम्हारी वीडियोस में व्यूज नहीं आएंगे, मैं लिख के देता हूँ शर्त, नहीं आएंगे व्यूज, ठीक है? वही पर मैंने देखा कि कुछ प्रोडक्ट्स ये भी लोग करते हैं कि जो ऑलरेडी मशहूर प्रोडक्ट होता है ना उसको यूज करके बताते हैं कैसे इसने हमारी लाइफ चेंज कर दी, स्टोरी बताई, हालांकि कभी कभी कैप ही होती है बहुत बड़ी। देखो स्टोरी भी काइंड ऑफ अ कंटेंट है, इमोशनल, वो भी मार्केटिंग है, ठीक है? तो टिकटॉक एक वायरल प्लेटफॉर्म है कि आप कंटेंट क्रिएट अच्छा करो, भले फॉलोअर्स 10 हो, कंटेंट अच्छा आएगा हुक वाला, वो आगे बढ़ेगा, लोग उसे उस पर क्यों नहीं, लोग बोलते हैं यार मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, अचानक से वीडियो वायरल हो गई। इंस्टा वैसा नहीं होता, फेसबुक वैसा नहीं होता, यूट्यूब वैसा नहीं होता, वायरल एक टिकटॉक है जो लोगों को वो दिखा था पसंद, उसका मतलब कॉन्टेंट अच्छा क्रिएट किया। टारगेट ऑडियंस अमेरिका की थी या पाकिस्तान की? अमेरिका, अमेरिकन, पाकिस्तान में कौन देगा सब पैसे। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, अभी ना मैं इनके यहाँ पे ही आया हूँ अपार्टमेंट में ना अपना, तो उन्होंने अभी थोड़ा थोड़ा अपना ये स्टोर की चीजें रखी हुई हैं। तो ये टॉयलेट पेपर तुम कहते हैं जैसे तुम आगे सेल करते हो यूके से, ये तुम्हारे लॉन्ग है, ये सोप्स हैं, ये इंडिया हैंडमेड सोप्स है जो तुम यहाँ पे बेच रहे हो। चीज हम दिखाने आपको वो है पॉडकास्ट का। अच्छा देखो, नाइस, ये जो उसका है पॉडकास्ट वाला माइक्रोफोन, ये भी तुम आगे करते हो, ये भी है। आपको चाहिए ले लो, जानिए। नहीं नहीं, आपसे बढ़ के नहीं है, नहीं, आपसे कुछ बढ़ के नहीं, टेंशन नहीं करो, ऑलरेडी हमें बहुत कुछ दे रहे हो भाई, करते हो ना पॉडकास्ट, ये भी देख लो यार। और नहीं नहीं यार, क्या हो गया? ओ हेलो, अच्छा चलो पॉडकास्ट का काम आएगा। नहीं मैं माइक अपना यूज कर रहा हूं यार, इतनी चीजें ना दो भाई। अबे नहीं नहीं नहीं, चावल नहीं मैं खाता ही नहीं हूं। आप हमारे चावल नहीं खाएंगे मिस्टर राइस से, जो यहां पे लस बेला पे, और ये तुम उधर देते हो आगास को डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे, ये पॉडकास्ट माइक इनकी तरफ से, और ये हमारे हैंडमेड सोप्स हैं। अच्छा मूसा भाई की तरफ से जो भी बंदा आएगा वो उनको अच्छा रेस्टोरेंट देंगे चावल है, बस। चलो डन हो गया भाई, आपसे जिसने चावल लेना ना मेरी तरफ से आ रहे हैं उनको डिस्काउंट, प्रोमो कोड मूसा खान। चलो डन हो गया। बिल्कुल सीन ये है कि हमें उनकी तरफ से यार गिफ्ट्स मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार, ये तो मेरा फर्स्ट था करना। तो यार बस क्या तुम्हारे एंडिंग रिमार्क्स क्या है यार, बच्चों को कोई मोटिवेशन दो ना जो तुम अभी इतनी दे रहे थे मुझे। नीड फाइंड करो, कनेक्ट करो, अर्न करो, अपने माँ बाप को प्राउड करो, लड़की हो तब भी लोगों सर्विस प्रोवाइड करो, मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ, कुछ करो और लाइफ में आगे बढ़ो। नेगेटिविटी लाइफ में बहुत है, 99% नेगेटिविटी है, लोग बुरे होंगे, बोलेंगे ये मत करो, इसमें ये ख्वारी है, नहीं दिल की सुननी है, दिल की सुननी है, थोड़ी प्रैक्टिकल बनना है और बस ग्रोथ सोचो, आगे कैसे बढ़ूं, आगे कैसे बढ़ूं, दैट्स इट। वो लोग 30 मिनट वीडियो देख के आए हैं, अब मुझे पता है सुनने में बड़ा मजा आया, ठीक है? शुरू कैसे करना है, आप लोग स्टूडेंट हो, परेशान हो, सुन लिया है, करना क्या है, उसके लिए गाइडेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसको भी अमेजन होलसेल करना है, सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पवन को इंस्टा पे मैसेज करो, मुझे करो, स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी गाइड कर सकता हूँ। उन लोगों में लिंक ड्रॉप कर देता हूँ, इंस्टा के लिंक करूँ या कौन सा करूँ? इंस्टा के कर लें, चले इंस्टा पे यार, इन दोनों को आप अप्रोच कर सकते हैं, जिन्होंने लोगों ने कोई काम इस तरह का शुरू करना है ना, तो ये मेरा रेफरेंस आप कह देना ना कि मैं आया हूँ, तो ये लोग आपको थोड़ी सी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोई डिजर्व करता है मेरे ख्याल से, तो वो आपको मिल जाए, कोई इशू नहीं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगेन कोई सवाल है इस तरह की चीज़ों के आप इन लोगों से पूछ सकते हो। बॉयज एंड गर्ल्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।